हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हक्का नूडल्स की रेसिपी। तो ये हक्का नूडल जैसे बाज़ार में मिलता है या फिर होटल्स में मिलता है, बिल्कुल वैसे ही खाने में। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना और मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो देख रहे हो ना, मस्त लग रहा है ना ये नूडल्स, बिल्कुल बाज़ार की तरह। तो आओ अब हम इस रेसिपी को तैयार करते हैं बनाना। चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमको नूडल्स को उबालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम एक पैन लेंगे, पैन में पानी डालेंगे और उसके अंदर में हमारे जो नूडल्स हैं उसको अब हम इसमें उबाल लेंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे इसके अंदर में सफ़ेद वाला, और एक चम्मच जो है रिफाइन का तेल डालेंगे। और यहाँ पे लंबे वाले नूडल्स हैं, इसको तोड़ेंगे नहीं, ये जैसे जैसे जो पानी गर्म होगा ये सारा का सारा इसके अंदर में कवर कर लेगा। देखिए ये धीरे धीरे जो है सारा का सारा पैन में आ गया है, ये इसको मैंने तोड़ा नहीं है मैंने। तो नूडल्स हमारा पक चुका है, इसको अब हम आप हाथ से तोड़ के इसको देख लीजिएगा। अगर ये हाथ से हल्का हाथ से टूट जाता है तो समझ जाएगा कि नूडल्स बन चुका है आपका। अब हम इसको छान लेंगे चन्नी में। अब इसको चन्नी में पानी निकाल देने के बाद अब हम इसको दोबारा ठंडे पानी में धो लेंगे ताकि जो नूडल्स है वो चिपके नहीं एक दूसरे से। इसको तोड़ के दिखाते, देखिए इसको हल्के हाथ से आराम से टूट जाता है ये। अब इसको पानी से निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, पैन में अब हम 2 चम्मच रिफाइन ऑयल डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे इसके अंदर में, और यहाँ पे कटे हुए लंबे लंबे जो प्याज है उसमें डाल देंगे और इसको अब हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक हल्का हल्का भूज लेना है। अब यहाँ पे हम कसे हुए गाजर को डालेंगे। अब गाजर को भी हम इसी तरह अच्छे से इसमें भूज लेंगे हल्का हल्का। अब गाजर डालने के बाद यहाँ पे कटी हुई लंबी लंबी शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद इसको भी हम भूज लेंगे और इसके अंदर में 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक डालेंगे। अब यहाँ पे हमने जो नूडल्स को बॉईल किया था अब हम उसको इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे 1 चम्मच विनेगर डाल दिया मैंने, और यहाँ पे 1 चम्मच अब सोया सॉस डालेंगे और इसका अब हम मिला लेंगे। अगर आप इसको सॉस के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर अभी भी सॉस डाल सकते हैं, वरना आप खाते टाइम इसमें सॉस को ऐड कर देना। तो नूडल्स हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको सर्विंग प्लेट में डालेंगे। तो अगर रेसिपी मेरी अच्छी लगती है आपको तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।